मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर कलेक्टर कार्यालय इन दिनों आग के गोले पर बैठा हुआ है। कार्यालय के पीछे ही खनिज विभाग द्वारा जब्त किए गए कोयले का भंडारण किया गया है, जिसमें कभी भी आग लग सकती है। कलेक्टर कार्यालय आए लोगों का कहना है कि यहां हर समय खतरा बना रहता है, किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है। 3 साल से अधिक समय से भंडारण होने के बाद भी अधिकारियों का रटा रटाया जवाब रहता है, इसे जल्द हटा दिया जाएगा, टेंडर लगा है। जांजगीर स्थित कलेक्टर कार्यालय आग के ऊपर बैठा हुआ है। सूखी घास व सिगरेट पीने वालों की लापरवाही या कि बिजली तार में स्पार्क होने की स्थिति में कभी भी भयावह घटना घट सकती है। ऐसे में देखना होगा कि खनिज विभाग के कर्ता धरता कुछ करते हैं या कि हमेशा की तरह अनदेखा करते रहेंगे। बहरहाल जिले के जानो माल इनके राह मुकरम पर हैं। देखिए, कलेक्टर परिसर में जो कोयला जब्त कर हम लोग लाए थे, है ना, उस कोयले की नीलामी के लिए प्रथम ने जो निविदा आमंत्रित किया था उसमें कोई बोलीदार ने भाग नहीं लिया। अभी आज से द्वितीय निविदा उसका जो जारी हुआ है और आगे देखिए जैसे निविदा कार्य जारी है। मेरा नाम संजय कुमार रत्नाकर है, मैं जनपद सदस्य हूं और जनपद पंचायत बलौदा व कृषि विभाग का सभापति हूं। जी जी बिल्कुल, यहां पर तो कई जगह देखे भी हैं और सुने हुए भी हैं कि यहां पर डंप यहां पर कलेक्टर के बाहर में रखा हुआ है कोयला, क्योंकि यहाँ अभी गर्मी का मौसम है और पूरा जो घास फूस है वो बिल्कुल सूख गया है और यहाँ पर लोग हमेशा सिगरेट पीने के लिए भी जाते हैं, पीछे में कहीं भी दुर्घटना घटित हो सकती है। और दुर्घटना होने से क्या है, यहाँ पर कितना भी आसपास में गाड़ी वगैरह जो फाइल वगैरह भी रखा हुआ है सब वहाँ पर जल भी सकता है, ऐसा है जी। इस पर तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रखा हुआ इनको 3 साल हो गया है और ये सीधा सीधा बोले जाए तो जो खनिज विभाग का जो पूरा लापरवाही है वो, क्योंकि आज 3 साल हो गया है, इसको जल्द से जल्द यहाँ पर ये जो कोयला का जो डंप रखा हुआ है उसको अभी तक मुझे यहाँ से हटा देना चाहिए था जी।